नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। घास फूल से ढका ऑटो रिक्शा, हर घर एक जीव रक्षक, गांव में खुली आईटी कंपनी, 13 साल की लड़की पहुंची समुन्द्र पार, प्लास्टिक का ईंधन में परिवर्तन। बढ़ती गर्मी को मात देने के लिए पुणे के एक रिक्शा चालक ने अपनी रिक्शा को ठंडा करने का एक अनोखा उपाय सोचा, आइए देखते हैं। बढ़ती गर्मी को मात देने के लिए पुणे में एक रिक्शा चालक एक अनोखा और एक निश्चित रूप से ठंडा करने वाला विचार लेकर आया है। उन्होंने अपने पूरे रिक्शा को घास और फूलों से सजाया है। पुणे के रविवारपेट निवासी इब्राहिम तंबोली ने अपने पूरे रिक्शा को घास, फूल और जानवरों के पोस्टर से सजा दिया है। पहली नजर में यह एक मोबाइल गार्डन जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक ऑटो रिक्शा है। इब्राहिम वर्षों से रिक्शा की सवारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ महीने पहले ही इसे अपने यात्रियों के लिए एक आरामदायक सवारी बनाने का फैसला कर लिया। वह बाहर के गर्मी के मौसम के बावजूद अपने यात्रियों को थोड़ा ठंडा महसूस कराना चाहते थे और किसी भी कूलिंग डिवाइस को चुनने के बजाय उन्होंने अपने रिक्शा को बिल्कुल अलग लुक देने का फैसला किया। वह पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देना चाहते थे और लोग उनके विचार को पसंद करने लगे। पुणे की राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से जीव रक्षा और प्रथमोपचार का प्रशिक्षण उन लोगों को दिया गया जो इमारतें बांधने का काम करते हैं। इस हिसाब से शिक्षा वहां पहुंची जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहां पर इमारतें बांधने का काम चलता है, ऐसी जगह पर अक्सर छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। ऐसे में कई बार छोटी मोटी जख्मे होने से लेकर जान जाने तक की नौबत आ सकती है। ऐसी घटनाओं में इन जगहों पर काम करने वाले लोगों को कम से कम शारीरिक नुकसान हो, इसके लिए इन कर्मचारियों को और उनके परिवार के सदस्यों को जीव रक्षा तथा प्रथम उपचार में प्रशिक्षण दिया गया। ये अभिनव उपक्रम पुणे स्थित राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। उनकी योजना थी हर घर एक जीव रक्षक। इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने ऐसे कर्मचारियों को और उनके परिवारों को प्रशिक्षित किया जो इन सारे प्रशिक्षणों से दूर थे। किसी भी दुर्घटना का शिकार हुए जख्मी लोगों को प्रथमोपचार कैसे दें, गंभीर रूप से जख्मी लोगों की जान बचाने के लिए क्या करें तथा ऐसी वारदातों में कम से कम हानि हो इसके लिए क्या किया जाए, इन बातों का प्रशिक्षण इन लोगों को दिया गया। RLSSI की ओर से इस प्रकार के प्रशिक्षण अक्सर आयोजित किए जाते हैं जिनमें जीव रक्षकों की एक फौज तैयार हुई है। अमेरिका में एक कंपनी चलाने वाले राव साहब घुगे ने अपने गांव में एक आईटी कंपनी खोली और वहां सिर्फ किसानों के बच्चों को नौकरियां दी। सुनते हैं ये पूरी कहानी। एक अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनी में अपनी नौकरी हो, ऐसा हर नौजवान चाहता है, लेकिन आईटी कंपनियां सिर्फ महानगरों में बसी होने के कारण गांव के युवाओं का यह सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन इसका एक नया समाधान अब मिल गया है। महाराष्ट्र में संगमनेर तहसील में पारी गांव में यही के रहिवासी राव साहब घुगे ने अपने ही गांव में एक नई आईटी कंपनी खोली है। इस कंपनी का नाम है बाप, यानी बिजनेस एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म। किसी गांव में शुरू होने वाली यह शायद पहली आईटी कंपनी है। अपनी कंपनी में किसानों के बच्चों को नौकरी देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय राव साहब घुगे ने लिया है। इसके लिए पहले उन बच्चों को चुनकर राव साहब प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। इस कंपनी के कारण गांव में रहने वाली लड़कियों को भी अब आईटी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का अवसर मिला है। एक 13 वर्षीय ऑटिस्टिक लड़की श्रीलंका से भारत तक तैर कर आई। आइए मिलते हैं जिया राय से। आत्म केंद्रिता के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय नौसेना के मदन राय की बेटी 13 वर्षीय जिया राय श्रीलंका से थलाई मनार में धनुषकोडी के अरिचलम नुआई तक तैरकर आई। अपने अभियान को पूरा करने में उसने 13 घंटे और 5 मिनट का समय लिया। इस तैराक ने श्रीलंका से भारतीय जल में तैरकर देश में अपना नाम रोशन किया। जिया राय ने इससे पहले बांद्रा मुंबई में वरली सीलिंग से गेटवे ऑफ इंडिया तक लगभग 8 घंटे 40 मिनट में तैरकर एक विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जिता दिया था, जो एक तैराक के लिए सर्वोच्च सम्मान था। जिया तैराकों के उस चुनिंदा समूह में शामिल हो गई है जिनमें कुत्रालेश्वरन आर जय जसवंत, यूएसए की एडी हु, तेलंगाना की श्यामलता शामिल हैं, जो श्रीलंका से धनुषकोडी तक तैरे हैं। पुणे में एक ऐसा समाधान विकसित हुआ है जिसमें प्लास्टिक के कचरे को पॉली ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। देखते हैं ये कैसे होता है।
भारत में हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा देखा जाता है जो लैंडफिल में खत्म हो जाता है और ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बदलाव लाने के लिए पुणे स्थित दो पर्यावरणविद डॉक्टर मेधा तारपत्रिकर और शिरीष भड़तरे ने एक समाधान विकसित किया है जो 25 लाख टन प्लास्टिक को पॉली ईंधन में परिवर्तित करता है। 2 साल के शोध, विशेषज्ञों के साथ बातचीत और गहन अध्ययन के बाद दोनों थर्मोलाइट डीपॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के साथ आए हैं जिसमें कटे हुए प्लास्टिक को ईंधन में बदला जाता है। इसके अलावा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सभी उत्पादों को उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार कचरे को कम किया जाता है और दक्षता को अधिकतम बढ़ाया जाता है। बाजार के विकल्पों की तुलना में बहुत ही सस्ता विकल्प है ये। इस पॉलीफ्यूल का उपयोग खाना पकाने से लेकर स्टोव, जनरेटर और ट्रैक्टर चलाने तक हो सकता है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।